फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसको आप छोटे बड़े साइज में आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर घेरा मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। अब देखिए, यहाँ से मैं इसको थर्ड चैन में जाकर स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूंगी और अब मैं यहां पर क्रीम कलर को इस तरह से अटैच करूंगी। इधर से एक लूप लेने के बाद यहां से इस तरह से मैं और इस धागे को मैं थोड़ा सा टाइट कर लूंगी इस तरह से। अब यहां पर एक बार मैं इसको सिंगल क्रोशिया करूंगी। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन करने के बाद नेक्स्ट होल में मैं एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। और नेक्स्ट में भी एक बार। अब यहाँ पर मैं 1 2 चैन करूंगी। 3 डबल क्रोशिया मैंने एक एक होल में किए हैं। अब यहाँ पर 2 चैन करने के बाद ये नेक्स्ट वाली मैं डबल क्रोशिया स्किप करूंगी और उससे नेक्स्ट में मैं फिर से डबल क्रोशिया करूंगी। एक बार किया, अब नेक्स्ट में फिर से एक बार और नेक्स्ट में भी एक बार। अब यहाँ पर फिर से मैं 1 2 चैन लेने के बाद यहाँ से मैं एक फिर से स्किप करूँगी, ये नेक्स्ट होल स्किप करूँगी और यहाँ पर उससे नेक्स्ट में मैं इस तरह से एक बार और सेम प्लेस पर मैं 3 बार डबल क्रोशिया करूँगी। अब एक होल में 3 बार हमें डबल क्रोशिया करना है। 2 बार हो गया और फिर से 1 बार और 3 बार। देखिए यहाँ पर हमने शुरू में 3 में एक एक बार डबल क्रोशिया किया, फिर 2 चैन और बीच में एक स्किप किया, फिर 3 में एक एक बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और नेक्स्ट में एक स्किप करने के बाद नेक्स्ट में 3 एक ही होल में 3 बार डबल क्रोशिया करना है। और फिर से यहाँ पर 1 2 चैन करने के बाद यहाँ से फिर से मैं एक स्किप करूँगी और फिर से सेम हमें इसी तरह से बनाना है। 3 में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन बार बनाने के बाद 1 2 चैन लेने के बाद ये नेक्स्ट होल स्किप करेंगे और नेक्स्ट में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर से 2 चैन करनी है और एक स्किप करके नीचे से और नेक्स्ट में एक होल में 3 बार डबल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से, और इसी तरह से मैं अपनी पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। देखिए हमारी ये फर्स्ट रो बनकर कंप्लीट हो गई है और लास्ट में मैंने एक होल में 3 बार डबल क्रोशिए किए हैं। ये हमारा राउंड इसी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। अब स्लिप स्टिच के साथ मैं इस तरह से यहाँ तक आऊँगी और यहाँ से मैं अपना ये ग्रीन वाला कलर अटैच करूँगी इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन करने के बाद सेम प्लेस पर इसी होल में मैं 2 बार और डबल क्रोशिया करूँगी। ये हमारे टोटल 3 हो जाएंगे, एक हमारा 3 की चैन का हो गया। और फिर से यहाँ पर 1 2 चैन करने के बाद नेक्स्ट वाले होल में जाएंगे और इसमें भी मैं 1 बार किया, 2 बार, 3 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर से 1 2 चैन लेने के बाद नेक्स्ट होल में जाएंगे और फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे।
देखिए इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपना पूरा राउंड बनाकर कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर थर्ड चैन में जाकर इसको इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी। अब नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर जाएंगे। अब हमें इस होल तक आना है और अब इसमें आएंगे हम, यहाँ से फिर से हम अपना क्रीम कलर अटैच करेंगे। यहाँ से इस तरह से इसमें से भी हम इसको स्लिप स्टिच के साथ निकाल देंगे और हम इस बीच के होल तक आ गए। अब देखिए यहाँ पर एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद यहीं पर मैं दो बार और डबल क्रोशिया करूँगी और फिर दो चैन और नेक्स्ट होल में फिर से तीन बार डबल क्रोशिया। ये हमें सेम इसी तरह से इस रो को भी बनाकर कंप्लीट करना है। तीन डबल क्रोशिया, बीच में दो चैन और फिर से तीन डबल क्रोशिया। इसी तरह से ही इस क्रीम कलर की रो को भी मैं बनाकर फिर दिखाती हूँ। हमारी ये रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर थर्ड चैन में जाकर मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी और स्लिप स्टिच के साथ मैं यहाँ तक मिडल तक आऊँगी इस तरह से और यहाँ से मैं ग्रीन कलर अटैच करूँगी। इस तरह से यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर में नोट लगा ली है और इस धागे को मैं थोड़ा सा टाइट कर लूँगी। अब यहाँ पर एक दो तीन, देखिए हमारे पर पास ये इस तरह से राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है। दो राउंड मैंने यहाँ पर तीन तीन डबल क्रोशिया दो चैन के दिए हैं। अब देखिए तीन चैन करने के बाद सेम प्लेस पर मैं एक बार डबल क्रोशिया किया, एक हमारा तीन की चैन का हो गया, टोटल हमारे ये दो डबल क्रोशिया हो गए। अब एक बार फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, यहाँ पर मेरे तीन डबल क्रोशिया हो गए। अब एक चैन करने के बाद सेम इसी स्टिच में यहीं पर हम इसी चैन के अंदर हम तीन बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। देखें तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर से सेम प्लेस पर तीन बार और डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक चैन लेंगे और नेक्स्ट जो हमारी चैन स्टिच है उसमें मैं एक बार डबल क्रोशिया करूँगी, फिर से एक चैन लेंगे और नेक्स्ट चैन स्टिच तक जाएंगे और यहाँ फिर से तीन चैन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चैन और सेम प्लेस पर फिर से तीन बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करूँगी, देखिए इस तरह से। और फिर एक चैन लेने के बाद नेक्स्ट में मैं एक बार डबल क्रोशिया करूँगी, फिर एक चैन लेने के बाद तीन डबल क्रोशिया, एक चैन और फिर से सेम प्लेस पर तीन बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरे राउंड को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। ये रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है और देखिए अब यहाँ पर एक चैन लेने के बाद थर्ड चैन में जाकर मैं इसको स्लिप स्टिच में के साथ जॉइंट करूँगी इस तरह से। अब इसी कलर से मैं अपना वर्क अगला वर्क स्टार्ट करूँगी। अब एक दो तीन, तीन चैन तो हमने क्रोशिए की हाइट की ले ली, अब एक चैन हम एक्स्ट्रा लेंगे बीच में गैप के लिए। अब ये हमारे पास सिक्स डबल क्रोशिए हैं, अब हमें सिक्स के ऊपर सेवन बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक हमने जो बीच में चैन की थी एक बार उसमें हमें इस तरह से एक बार किया, फिर एक चैन लेंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया। देखिए हमारे पास तीन डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर एक चैन और ये जो बीच में चैन बनाई है एक बार उसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन नेक्स्ट के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया।
फिर एक चैन और एक बार डबल क्रोशिया, एक चैन और एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं देखिए हमने एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात बार हमारे ये डबल क्रोशिया एक चैन बन गए। अब देखिए बीच में हमें फिर से यहाँ पर एक चैन लेंगे और जो हमने बीच में एक डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर जाएंगे, जो छः डबल क्रोशिया बनाए हैं उसके फर्स्ट पे जाएंगे और इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन नेक्स्ट के ऊपर, एक चैन थर्ड के ऊपर, एक चैन और जो बीच में गैप दिया था उसमें, फिर एक चैन, फाइव, एक चैन, सिक्स, फिर एक चैन, सेवन। देखिए इस तरह से हमारे सिक्स के ऊपर सेवन बार डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गए हैं, फिर एक चैन और जो बीच में एक डबल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, एक चैन, एक चैन, एक डबल क्रोशिया करते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट करती हूँ। देखिए इस तरह से ये हमारा बनता चला जाएगा और इसी तरह से मैं पूरा बनाकर कंप्लीट करती हूँ। हमारी ये पूरी रो बनकर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्रीम कलर से अपना वर्क स्टार्ट करूँगी। यहाँ से मैं फर्स्ट डबल क्रोशिया हुक में जाऊँगी इस तरह से, यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। अब यहाँ पर एक दो तीन, तीन चैन करने के बाद यहाँ से अगले दो लूप उठाएंगे और पर्ल स्टिच बना देंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट में जाएंगे, एक दो तीन, तीन चैन करने के बाद यहाँ से अगले दो लूप उठाएंगे और फिर से पर्ल बना देंगे। अब नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर हमें पर्ल स्टिच पांच चैन से बनाना है, एक दो तीन चार पाँच इस तरह से। नेक्स्ट में फिर से तीन, एक दो तीन, तीन चैन करने के बाद यहाँ पर हम पर्ल स्टिच बनाएंगे। अब नेक्स्ट में भी एक दो तीन, और जो लास्ट हमारा ये है इसमें हम सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से जॉइंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम दो बार लूप लेंगे, यहाँ पर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए यहाँ से हम ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया इस तरह से उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट करेंगे, एक बार निकाल दिया, दो बार और तीन बार, ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब देखिए फिर से एक बार और यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब के बार हमें यहाँ पर जो ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसको इस तरह से उठाएंगे, एक बार निकाला, दो बार और तीन बार। अब फिर से देखिए जो हमने ये सात डबल क्रोशिया बनाए थे उसके फर्स्ट वाले होल में जाएंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे, एक दो तीन, तीन चैन करने के बाद यहाँ पर हम पर्ल स्टिच बनाते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से दो में हमें तीन तीन चैन लेकर पर्ल स्टिच बनाना है और जो हमें बीच वाला बनाना है वो पांच चैन से बनाना है। अब थर्ड वाला बनाएंगे हम वो पांच चैन से।
एक दो तीन, इस तरह से एक दो तीन, और जो लास्ट वाला है उसमें हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। अब देखिए फिर से यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट वाले को इस तरह से उठाएंगे, इसको थोड़ा हमें ढीला रखना है, और यहाँ पर तीन बार करके हम इसको फ्रंट पोस्ट करेंगे। अब फिर से यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया लेना है, और जो हमारा ये तीन हमने डबल क्रोशिया बनाए थे उसमें से हम सबसे लास्ट वाला डबल क्रोशिया लेंगे, और इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए डिज़ाइन इस तरह से बनता चला जाएगा। और फिर से हम यहाँ पर फर्स्ट वाले चैन में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। देखिए इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपना पूरा राउंड बनाकर कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। आपको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।